बूंद बूंद से बनता सागर सरगम से संगीत है। बूंद बूंद से बनता सागर सरगम से संगीत है। बूंद है तू अब सागर बन, किरण है तू अब सूरज बन, हवा है तू अब तूफान बन, उमंग है तू अब उत्सव बन। निकल पड़ तू आगे बढ़ चल तू, वोट तेरी शान है, वोट तेरा मान है, तकदीर अपनी तू ही सवार, यही है तेरा अधिकार। रुके नहीं, चूके नहीं, वोट जरूर डालें। यह कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से और स्मार्ट संस्था नई दिल्ली की सहभागिता से किया जा रहा है। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ऋतु आर्या, सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी से, और आप हमें सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में। मेरा मत मेरा अधिकार की इस चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। तीसरे भाग में सक्कू दीदी ने राजू को मतदान सूची में पंजीकरण सुधार और निरस्तीकरण की जानकारी पहुंचाई। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आज चौथे भाग में हम आपके साथ चर्चा करेंगे पलायन कर चुके छात्र, श्रमिक, नवविवाहित महिलाएं, नए क्षेत्र में मतदान पंजीकरण क्यों जरूरी है, कैसे करें, संपूर्ण जानकारी। तो ज्यादा देर न करके चलते हैं सक्कू दीदी और राजू के साथ। राजू, ओ राजू कहाँ हो? अरे मैं आया दीदी। अरे दीदी आज तो आप घर ही आ गई। हाँ मुझे लगा रोज तुम आते हो, चलो आज मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ। बहुत अच्छा किया दीदी आपने, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, आप रुकिए। पानी रहने दो, मैं तो बस घूमते घूमते ऐसे ही आ गई, तो सोचा तुमसे मिलते हुए चलो। चाचा चाची नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है वो? दीदी माँ और बाबू। माँ तो गाय को पानी दे रही है और बाबू खेत में गए हैं। और तुम्हारी बड़ी बहन वो कहाँ है? बड़ी बहन अनीता दीदी, अनीता दीदी की तो शादी हो गई, अब वो जीजाजी के साथ बरेली में रहती हैं। तो एक बात बताओ राजू, अनीता इस बार मतदान कहाँ करेगी? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी, वो इस बार मतदान नहीं करेगी, एक वोट की ही तो बात है, इसके बारे में इतना क्या सोचना। राजू ये बात सही नहीं है, प्रत्येक वोट की गिनती होती है और हर एक वोट कीमती है। मुझे एक बात बताओ, हर साल कई शादियां होती हैं, अगर वो सब नवविवाहित महिलाएं अपना वोट न दे तो? तब तो ये तो बहुत लोग हो जाएंगे दीदी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान न करें तो? ये तो हमारे चुनाव के लिए कहीं से भी सही नहीं होगा। एक बात और बताओ दीदी, जैसे रमेश चाचा दिल्ली चले गए नौकरी के लिए, कैलाश, सोनू और आप भी तो पढ़ाई के लिए शहर में गए, उनके वोट का क्या होगा? सही बात पकड़ी राजू तुमने, यही वो कारण है जिससे हमारे पहाड़ों में मतदान कम होता है, और पहाड़ों से इतनी बड़ी संख्या में लोग पढ़ाई और रोजगार के लिए पलायन करते हैं और कई बार जाने अनजाने में अपना वोट नहीं देते हैं। ओ दीदी इससे तो बहुत लोग मतदान करने से चूक जाते होंगे। तो सक्कू दीदी तब तो इन लोगों को अगर वोट देना हो तो इन्हें वापस घर आना पड़ेगा। हाँ राजू, आसपास से तो अपने क्षेत्र में आकर मतदान कर सकते हैं, मतदान के दिन सरकारी छुट्टी होती है। और हाँ राजू मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इन लोगों के लिए भी चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तैयारी की है, इसके लिए पूरी प्रक्रिया है। जो पलायन करके कहीं चले गए हैं वो नए निवास स्थान पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं,
मगर ये न भूलें पुराने निर्वाचन क्षेत्र से अपना नाम हटवाना होगा। अच्छा दीदी, तो नए क्षेत्र में मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने की क्या प्रक्रिया होगी? हाँ राजू, हमेशा की तरह मेरे पास फोन में एक रिकॉर्डिंग है जिसमें हमें जानकारी दे रहे हैं सूपी काफली 57 विधानसभा क्षेत्र, मतदेय स्थल 111 राजकीय प्राथमिक विद्यालय काफली सूपी से BLO श्री योगेश चंद दुर्गापाल जी। तो तुम ये सुनो। मैं योगेश चंद दुर्गापाल 57 भीमताल विधानसभा के भाग संख्या 111 राजकीय प्राथमिक विद्यालय का पर BLO। सर हार्दिक स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर हम ये जानना चाहेंगे कि लोग पलायन कर चुके हैं, फिर चाहे वो छात्र हो या श्रमिक हो या फिर नवविवाहित महिलाएं, इनका नए क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण कराना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि मतदान जो है एक नागरिक का अधिकार है और मतदान अवश्य करना चाहिए सभी नागरिकों को। कि जब कोई यहाँ से विवाहित होकर के अपने क्षेत्र से अन्य दूसरे क्षेत्रों में जाता है तो यहाँ से उसका नाम खारिज हो जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा जागरूकता की कमी है, लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए जो है क्षेत्र में जो है जो BLO होते हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए कि जिस क्षेत्र में नया मतदाता आया है पलायन करके या विवाहित होकर के, तो संपर्क करके उनको जानकारी दें और उनका नाम जो है निर्वाचक नामावली में जुड़ाएं। सर अगर पलायन उसी विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं तो उसके लिए मतदाता पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है? तो उसके लिए प्रक्रिया यही है कि आप यहाँ से आपका नाम खारिज होगा जहाँ आप पहले निवास करते थे, तो उसके लिए BLO प्रारूप 7 उसके लिए भरते हैं और उसकी एक रसीद उपलब्ध कराते हैं जिनका नाम यहाँ से खारिज किया जाता है। तो जब वो उस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के क्षेत्र के जो BLO हैं उनसे संपर्क करके प्रारूप 6 भरवाएं और वो जो यहाँ से आप रसीद उनको मिली हुई है प्रारूप 7 की जिससे नाम खारिज किया गया है, तो वो उसके साथ लगाएं और अपने दस्तावेज जो होते हैं जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि के और साथ में वहाँ के जो निवास के लिए जो दस्तावेज होते हैं जैसे राशन कार्ड हो गया या स्थायी निवास हो गया, वो लगा करके वो वहाँ अपना पंजीकरण कराएं, बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से आपका नाम जो है वहाँ निर्वाचक नामावली में, वहाँ की निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जाएगा। सर अगर पलायन दूसरे विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं तो क्या प्रक्रिया है? उसके लिए भी सामान्यतः यही प्रक्रिया है कि आपका नाम इस विधानसभा क्षेत्र से खारिज होगा और वहाँ नए विधानसभा क्षेत्र में आप जहाँ सामान्य तौर से निवास कर रहे हैं वहाँ जो वहाँ के जो BLOs हैं उनके उनसे संपर्क करके आप प्रारूप 6 भरवाएंगे, आपका नाम निर्वाचक नामावली में वहाँ दर्ज हो जाएगा। सर ये फॉर्म 7 कहाँ से मिलेगा और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? प्रारूप 7 आपको संबंधित क्षेत्र के BLO से प्राप्त हो जाएगा। समय समय पर ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, निर्वाचन आयोग का जो कार्यक्रम है ये समय समय पर चलता रहता है। इसके लिए उस क्षेत्र में BLO जो बूथ हैं वहाँ पर BLO उपलब्ध रहते हैं, उनके पास प्रारूप 7 रहते हैं, तो वहाँ से आपको प्रारूप 7 उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे आपका विवाह हो गया है, जानकारी सामान्य तौर पर उस क्षेत्र के BLO को रहती है, तो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता उसमें नहीं रहती है। संबंधित व्यक्ति जो यहाँ से जा रहा है वो खुद उस प्रारूप पर अपने हस्ताक्षर करता है कि मेरा नाम यहाँ से खारिज कर दिया जाए जी। वो प्रक्रिया पूरी होती, उसके बदले में आपको रसीद मिलती है। प्रारूप 7 अभ्यर्थी जो यहाँ से जा रहे हैं तो प्रारूप 7 भरा जाता है, तो उनके उसमें साइन किए जाते हैं और उसके बाद उनका उनको जो रसीद है वो उपलब्ध करा दी जाती है। तो वो रसीद आप अन्य दूसरे क्षेत्र में जब जाते हैं तो वो रसीद के साथ अन्य जो वहाँ के आप सामान्य तौर पर निवास करते हैं उसके दस्तावेज आप दें उस क्षेत्र के BLO को, तो वो आपका प्रारूप 6 भर करके वहाँ की निर्वाचक नामावली में उनका नाम जुड़ जाता है। सर 1950 नंबर के बारे में बताएं। 1950 जो है हेल्पलाइन है, आप यहाँ पर 1950 में कॉल करके अपना निर्वाचक नामावली में अपने से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। सर हमारे सभी श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? मतदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है क्योंकि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है
लोकतंत्र में जो है जनता की बड़ी भूमिका होती है, जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रत्येक मतदाता का कर्तव्य है कि वो मतदान अवश्य करे, जिससे हमारे देश में अच्छी सरकार का चुनाव हो सके, अच्छे नेताओं का चुनाव हो सके, अच्छी सरकार बने, हमारा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे वाह सक्कू दीदी, जब सरकार ने सारी व्यवस्था की है तो लोगों को नए क्षेत्र में पंजीकरण करके अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हाँ राजू, चुनी हुई सरकार में प्रत्येक मतदाता का योगदान होना चाहिए और लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है। मैं भी आज ही अनीता दीदी को फोन करके उन्हें बरेली में अपना मतदाता पंजीकरण कराने के लिए बात करूंगा। बहुत अच्छे राजू, और अनीता को यह बात बताने मत भूलना कि अगर उसे ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर भी कॉल कर सकती है। जी दीदी, मैं जरूर बताऊंगा। तो राजू अभी के लिए मैं चलती हूँ, परसों में वापस जा रही हूँ, मिलने जरूर आना। हाँ हाँ दीदी, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ओके राजू, अभी मैं चलती हूँ, तुम चुनाव पर आधारित ये गीत सुनो। यह कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से और स्मार्ट संस्था नई दिल्ली की सहभागिता से किया जा रहा है। बूंद बूंद से बनता सागर सरगम से संगीत है। बूंद बूंद से बनता सागर सरगम से संगीत सागर बन, किरण है तू अब सूरज बन, हवा है तू अब तूफान बन, उमंग है तू अब उत्सव बन, निकल पड़ तू आगे बढ़ चल तू, वोट तेरी शान है, वोट तेरा मान है, तकदीर अपनी तू ही सवा, यही है तेरा अधिकार।
रुके नहीं, चूके नहीं, वोट जरूर डालें।